two point charges q and minus 2q are separated d distance apart, at what point potential due to the charges is zero? Kis point pe potential zero hai charges ka? So let us say this is point p and it is at a distance x from first. So remaining distance is d minus x. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट विल बी टोटल पोटेंशियल, और वो उन्होंने कहा नेट पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी नीड नॉट मार्क एनी डायरेक्शन. ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बस टोटल पोटेंशियल लिखा वहां पे. पर अगर चार्ज नेगेटिव है पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये ध्यान में रखना. ठीक है, तो लेट अस राइट बी. बी का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर. सो वी वन इज के क्यू और आर कितना है इसका? एक्स. अब दूसरा पोटेंशियल है माइनस, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, माइनस के टू क्यू और डी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करो, चलो करो सॉल्व. एक्स कितना आता है? दैट इज योर डिस्टेंस. निकालो कॉपी. कॉपी नहीं लाया आज, रफ कॉपी. इसको एक पेपर दे दो. सॉल्व करो, ये बाद में पढ़ लेना. वरुण सॉल्व दिस. हाँ बताओ, अगर आंसर याद है तो. डी बाय टू फ्रॉम क्यू, डी बाय टू फ्रॉम माइनस क्यू, डी बाय थ्री फ्रॉम क्यू, या डी बाय थ्री फ्रॉम माइनस टू क्यू. हाँ, थर्ड सी पार्ट इसका आंसर है डी बाय थ्री फ्रॉम चार्ज क्यू. ये क्यू से हमने मतलब एक्स आपका डी बाय थ्री आने वाला है यहाँ पे. ठीक है, सो के क्यू बाय एक्स इज के टू क्यू बाय डी माइनस एक्स. x is d by 3. ठीक है, सेकेंड है साइमन इज अ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, इंटरनल रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस g का यूनिट है, g इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 1/ohm. ठीक है, ओमेगा इनवर्स, ओम इनवर्स, या मोहो या साइमन भी लिखते हैं. ठीक है, थर्ड अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज पोटेंशियल डिफरेंस. रस्टर कहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ करंट. ईएमएफ कितनी होगी? चल इधर करंट है और इस साइड पे ई है, V है. अब देखो रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. अब Y एक्सिस पे X कोऑर्डिनेट जीरो होता है, X कोऑर्डिनेट क्या है? I. तो Y एक्सिस पे आपका I जीरो है, पुट I जीरो है, V किसके इक्वल आएगा? E के इक्वल. तो जब हम यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं इसका मतलब करंट जीरो है, तो ये V किसके इक्वल होगा? EMF of the cell is 5.6 volt. ये बहुत important question है graph का. आपको ये V और I में graph दिया है, उन्होंने कहा EMF निकालो cell. ठीक है? Relation क्या है? V is equal to E minus I है. अब जो y axis होती है वहां पे x coordinate zero होती है, पता है ना आपको? I है x coordinate, ये यहाँ पे zero है. तो जब हम I zero put करते हैं तो V E के equal होता है. इसका मतलब जब I zero है, ये जो value हमें दे रही है intercept की, ये इंटरसेप्ट हमें क्या दे रहा है? ईएमएफ दे रहा है. वैसे भी आप कर सकते हैं इसको स्लोप से. ठीक है, जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो इसको. कंपेयर दिस इक्वेशन टू द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट है v, x कोऑर्डिनेट क्या है आपका? i. तो इसका मतलब x के साथ जो है वो आपका स्लोप है, और इंटरसेप्ट c क्या है? वो e है, ईएमएफ.
So ye is coming, the intercept of the graph is giving you EMF of the cell. So that is 5.64. दोनों वे से आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4. When an electric dipole is placed in non-uniform electric field, which of the following physical quantities does it experience? Non-uniform electric field में रखा है हमने dipole को. Non-uniform. तो अगर uniform field होता है, आपने torque का formula derive किया और force देखा था उसमें zero. एक set में यही था, बी set में uniform field है, इसमें non-uniform. अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो दोनों एंड जो है दे एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ क्यूई एंड माइनस क्यूई. तो ये जो फोर्सेस है ये टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, फोर्स जीरो है, क्यूई एंड माइनस क्यूई वो जीरो है. हम माइनस लिखते नहीं है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होती है यूनिफॉर्म फील्ड में. तो बी सेट में इसका आंसर था ओनली टॉर्क, फोर्स जीरो. अब जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये जो दो फोर्सेज है अनइक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड, तो इसलिए फोर्स भी लगेगा टॉर्क भी लगेगा, दोनों चीजें. सो योर आंसर इज सी पार्ट, बोथ ट्रांसलेशनल फोर्स एंड टॉर्क. फिफ्थ क्वेश्चन, फोर इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ साइड ए, वर्क डन इन कैरिंग माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम सेंटर टू इंफिनिटी इज, मतलब वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी. जब हम वर्क डन, देखो पोटेंशियल एनर्जी की दो डेफिनेशंस करवाई गई हैं आपको, एक तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजीशन टू एनी अदर ओरिएंटेशन, दूसरी ये थी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ नंबर ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन. वो रिस्पेक्टिव लोकेशन एक ट्राइंगल के कॉर्नर भी हो सकते हैं, एक स्क्वायर के कॉर्नर भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है. यहां पर उन्होंने क्या बोला है, फोर कॉर्नर्स पे चार्जेस पड़े हैं, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम सेंटर टू इंफिनिटी क्या है. तो वर्क डन जब इंफिनिटी से सेंटर या सेंटर से मतलब कहीं पे भी लेके आना है उसका पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. तो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ये अब कैसे करना है. तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस पूरे सिस्टम, यहां क्यू क्यू पढ़े और सेंटर पे माइनस क्यू, तो इसको यहां पे रखने से रखने का कितना वर्क होगा इंफिनिटी से, या इसको वहां ले जाने में कितना वर्क डन होगा वो निकाल. मतलब ऐसे केसेस में आपने वर्क डन निकाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है. क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर. तो अब इसमें सिक्स कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि आपने पेयर में कॉम्बिनेशन लेने होते हैं. दिस इनटू दिस, चार तो ये हो गए, ये और ये चार ही हो गए, दो डायगनली हो गए आपके, है ना, दो अक्रॉस द डायगनल भी हो. पर अब यहाँ पे ये है ना, इसके साथ आपको लेना पड़ेगा कॉम्बिनेशन सबको. ठीक है, चलो करो सॉल्व इसको. क्या आपका इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके फोर से ज्यादा बनेंगे क्या, फोर से ज्यादा ही बन जाएंगे इसके, कैसे एट कैसे बताओ. ये तो एक दो तीन और चार हो गया ना, और बाकियों का भी तो है ना आपस में. चलो निकालो कितना करो सॉल्व, और अकॉर्डिंगली आपने लेंथ देखनी है कितनी, इन दोनों में इतनी आएगी, इन दोनों में आपने ए लेनी है, साइड कितनी दी है ए, ये ए भी हुई है, ये वाला जो है ये जो चारों है वो कितनी है, ये चारों जो डिस्टेंसेस हैं ओ ए बी सी डी, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये रूट टू ए का हाफ है, डायगोनल का हाफ, तो उसके लिए ये डिस्टेंस नहीं है. ठीक है, चलो बनाओ कॉम्बिनेशन सारे, कितने बनेंगे, पहले आउटर बना लेते हैं, चार है के क्यू स्क्वायर बाय ए. ठीक है, फिर ये वाले बनेंगे आपके, माइनस क्यू स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए बाय टू का स्क्वायर. ऐसी कितनी टर्म्स हैं, ये भी फोर ही है. चलो इनको सॉल्व करो, क्या आप करो सॉल्व कितना आता.
एक मिनट, स्क्वायर नहीं करना। इसको रैशनलाइज कर ले। रूट टू ए स्क्वायर, फोर पाई, फोर कट गया ना, के को वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो वो के उन्होंने काटा हुआ है, और वन माइनस रूट टू। एक मिनट, इन टर्म्स में तो क्यू आई नहीं रहा, सेंटर वाला चार्ज ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, सिर्फ यही आएगी, ओनली दिस। वो वाला चार्ज तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना, जिसकी बात कर रहे, बस इतना ही है। तो दिस इज योर वन माइनस नहीं आएगा, तो के को पुट किया वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, तो आपका आंसर है अंडर रूट टू क्यू स्क्वायर ओवर फाइव एप्सिलॉन नॉट ए। अब कई कह रहे थे ए स्क्वायर आना है, ए आना है, अब देखो इतना तो करो ना पहले, जिसका ये सारा कुछ आ गया है तो इतना पता लग ही जाएगा आंसर कौन सा है, ठीक है। तो सी है इसका आंसर। सिक्स्थ है, व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज इज हीटेड, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स वेयर, कहाँ को शिफ्ट करेगा, लेफ्ट राइट कहाँ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज इज हीटेड, ये मीटर ब्रिज है ना आपका, तो लेफ्ट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है नोन, इसको हीट किए, तो बैलेंस पॉइंट किधर को शिफ्ट करे, लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ सेम रहेगा, क्या होगा राइट की तरफ, कैसे, मेटल कंडक्टर है उन्होंने बोला, मेटल का रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है ना, तो अब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पे वो कह रहे हैं कि बैलेंस पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा, दैट बैलेंस पॉइंट इज 100 माइनस एल ओवर एल इनटू आर, ये है ना, तो जब ये इंक्रीज होगा तो एल पे क्या इफेक्ट होगा, ये पूछ रहे किधर को जाएगा, वेयर विल इट शिफ्ट, कैसे शिफ्ट टूवर्ड्स, हाँ ये प्रोपोर्शनल वाला पॉइंट आपने ठीक बोला, ये जो यहाँ पे बैलेंस पॉइंट आता है P ओवर Q इज R ओवर S, है ना, मतलब P ओवर Q इज R ओवर S, ये तो जब R इंक्रीज कर दिया तो हमारे L पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बता, तो इसका आंसर था A, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट ही आना, तो कम आ रहा था, ठीक था, नहीं आगे बताओ क्या हुआ, चलो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया विद टेंपरेचर, अब कैसे लेफ्ट की तरफ, आपने एग्जांपल लेके किया था, कोई एग्जांपल ले सकते थे ना आप, जैसे एस को कुछ भी मान लिया आपने, एक्स फिक्स है, आर को आपने किया चेंज, एस फिक्स है, तो अब आप देखो ये कैसे डिपेंड करेगा, आप इसको 100 माइनस एल, चलो उसको छोड़ो, आप एल को देखते हैं, L as directly proportional to R हो गया ना, ये L उधर चला जाएगा, अगर S constant है L उधर चला जाएगा, तो directly proportional to R, अगर R बढ़ गया तो L भी बढ़ जाएगा, बढ़ने का मतलब ये है कि it will shift towards right, ठीक है समृद्धि, ये देखो ना, क्योंकि यहाँ पे S constant है आपका, ठीक है, R बढ़ा, L उधर ले दो, L is proportional to R हो गया ना, तो अगर R increase हो गया, ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, वो यूज किया है, ठीक है, तो इसका मतलब एल भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने का मतलब ये राइट की तरफ उड़ जाए, अगर डिक्रीज होता तो लेफ्ट हो जाना, ठीक है। सेवेंथ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ऑल ऑफ दी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है डायमेंशन पे, पर रेजिस्टेंस डज, टेम्परेचर पे भी करता है,
8. A hollow metallic sphere of radius 5 centimeters charge such that potential on surface is 10 volt. Potential at the center of the sphere is also 10 volt. क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको कि एक कंडक्टर के अंदर Q जीरो होता है, E जीरो होता है, पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है एंड सेम एज दैट ऑन द सरफेस होता है. ये याद रखना है ये वाली प्रॉपर्टी. कैसे? अगर E जीरो तो V कांस्टेंट कैसे आता है? कौन सा फॉर्मूला यूज होता है इसका? हाँ जी, अगर E जीरो है, हाउ कैन यू से दैट V इज कांस्टेंट? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो डेरिवेटिव ऑफ वी कॉन्स्टेंट जीरो हो गया, तो इसका मतलब वी कॉन्स्टेंट. ठीक है, वेरी गुड. नाइन्थ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस? तो लिंक्ड विद क्लोज सरफेस है, कैसे निकाला आपने? ये दिए हुए हैं कुछ चार्जेस, ये दोनों सेट में क्वेश्चन आया था. ये गॉसियन स्फीयर के अंदर 1.2571, ये जो अंदर है ना, इनका टोटल करो कितना आता है, इनका टोटल करिए. इसके अंदर जो चार्जेस हैं इनका टोटल करो, 7 और 1 हो गया और ये हो गया 8.25 माइनस 0.4, कितना हुआ? 7, 8, 9. हाँ, 9.25 माइनस 0.4 कितना? ठीक है, 8.85 आ गया है ना, और ये है कूलम में, माइक्रो में नहीं. तो हमने बाहर के चार्जेस नहीं देखे, उस सरफेस के अंदर जो चार्जेस हैं वो कितने हैं वो देखिए. तो फ्लक्स उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लोगे. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू कितना आया? 8.85. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी? 10^-12. ये कैंसल आउट हो जाता है, 10^12. बी ए पार्ट है इसका. ठीक है, तो याद रखना है अंदर वाले चार्जेस काउंट होने. 10th, तो बहुत ही सिंपल था. अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड, द चार्जेस इन माइक्रो कूलम ऑन 4, 9, and 3 microfarad आर. कैपेसिटेंस वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल है ये वाला, पर इसमें था कि बी और सी दोनों ही करेक्ट थे, हमने दोनों को करेक्ट किया. ठीक है, क्योंकि ऑर्डर सेम हो गया बाय चांस, 24, 18, 6. किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो. मेन फॉर्मूला यही है, सी इज इक्वल टू क्यू बाय बी. सी इज इक्वल टू क्यू बाय बी. कौन करेगा सॉल्व यहाँ पे? फटाफट कर दो, मैं अगला क्वेश्चन करती हूँ डिस्कस. शुड आई ड्रॉ इट हियर? ड्रॉ, सिर्फ ड्रॉ कर रही हूँ, सॉल्व आप करोगे. ठीक है, देखो इस मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चन जो है वो तो हमसे गलत बिल्कुल नहीं हो सकते. ये दोनों पैरेलल में है, 9+3 12, 12 और 4 सीरीज में है, 12 × 4/12 + 4 3 आ गया, 3 और 2 पैरेलल में, 5 माइक्रो फैरेड आ गई कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. पर हमें क्या निकालने हैं? चार्जेस. ठीक है, तो चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू सी बी, पहले टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट. सी है 5 माइक्रो में रहने देते हैं, 5 × 8 = 40 µC, ये आपका टोटल चार्ज आ गया. अब कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा. उन्होंने पूछा 4, 3 और 9 में कितने, इधर को छोड़ो हमने यहाँ देखना. अब कुछ पहले पोटेंशियल ये शेयर करेंगे 8 में से, वो कितना है वो निकालने पहले. पहले ये कितना शेयर कर रहा है? V इज इक्वल टू क्यू बाय सी. क्यू कितना है इसमें से?
वो हमें नहीं पता है ना। चलो पहले यहां पे लगाते हैं, ये आपका क्यू वन हो गया, ये आपका क्यू टू हो गया, और इसका पोटेंशियल दोनों का सेम है। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, थ्री क्यू वन इज इक्वल टू नाइन क्यू टू, क्यू वन इज थ्री क्यू टू, ये आ गया ठीक है। अब टू माइक्रोफेरेड के अक्रॉस तो पूरा 8 वोल्ट का पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस कैसे निकालोगे? हम ऐसे करते हैं, पहले इसका चार्ज निकाल लेते हैं माइनस करके, ये पता चल जाएगा, फिर उससे उसका पोटेंशियल निकल आएगा, ऐसे कर लेते हैं। तो इसका पोटेंशियल कितना है वो तो पता है आपको, चार्ज कितना है यहाँ से, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी है टू, पोटेंशियल है 8, 16 इसमें से जा रहा, 40 था, 14 40 में से 16 इसमें से गया, कितना रह गया 24, इनमें से फिर 24 जा रहा है, तो इसका कितना हुआ 24 ओवर 4, 6 वोल्ट है, मतलब 8 में से 6 इसके अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस कितना हुआ 2 वोल्ट, तो ये जो है मतलब 2 वोल्ट के इक्विवेलेंट है। यहां से आपका Q1 Q2 दोनों आने हैं, निकालना क्या है रेशियो ऑफ चार्जेस है ना। तो ये एक आंसर तो आपका आ गया, 4 में से कितना है 6 है, 6 वोल्ट है वो पोटेंशियल है, चार्ज पूछा इन्होंने, तो इसमें से चार्ज हमने निकाल लिया 24, तो इससे आपको ये तो पता लग गया कि जहां 24 पहले लिखा हुआ है वो आपका ऑप्शन ठीक है। 18 और 9 अब देख लो, इसमें से 2 वोल्ट है आपका पोटेंशियल, यहाँ पे 2 है, तो Q इज इक्वल टू सी डी, 3 इंटू 2 6 इसमें से हो गया, और 9 इंटू 2 18 इसमें से हो गया, तो आपका ऑर्डर है 24 18 और 6, बी और सी दोनों से ये ठीक है। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, सी देखो, कंडक्टर्स ऑलवेज कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन्स देन इंसुलेटर, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो पता ही है आपको कि कंडक्टर्स कंटेन मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सी गलत था ठीक है। 12th है, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल बाय पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग इज व्हाट, डिफ्लेक्शन क्या थी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, याद है आपको थीटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को हम थीटा बोलते थे, और बीना टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क वॉज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यही था ना, तो बस यहाँ से आपने थीटा बता देना कितना था, उसका फॉर्मूला है ठीक है। तो एन वी ए ओवर सी इंटू रहेंगे, हाँ वी एन ए ए भी रहेगा, उन्होंने आई को कॉमन लिया होगा, तो कौन सी ऑप्शन है देख लो, ये उन्होंने सी को के लिया हुआ है, सी ऑप्शन है आपकी, तो दिस इज एन ए बी ओवर के इनटू आई, बस थीटा बताना था कितना, थीटा मतलब डिफ्लेक्शन, वो उन्होंने बाहर निकाला हुआ है ना, हाँ ना निकालो तो भी पता लग जाएगा आपको। 13, ये बेस्ड है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, शंट वाला क्वेश्चन, शंट का फॉर्मूला लगना था भाई। A galvanometer having resistance of 9 ohm is shunted by a wire of resistance 2 ohm. If total current is 1 ampere, the part of it passing through the shunt will be what? Shunt ka formula, kaun batayega? अब मैंने नहीं बताना फॉर्मूला, आप बताओगे, हाँ जी शंट का फॉर्मूला बताइए, ये तो फॉर्मूले टिप्स क्यों नहीं जी, बताओ शंट का फॉर्मूला, नहीं आप जी इंटू आई जी ओवर आई माइनस आई जी, फॉर्मूला आता हो फिर तो हो ही जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 9 ओम है, शंटेड बाय वायर ऑफ रेजिस्टेंस, को कुछ नहीं करना, टोटल करंट जो है 1 एम्पियर है,
पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू द शंट, आपको आई एस निकालना है। ये देखो आई माइनस आई जी जो होता है ये आई एस होता है, तो इसको आई एस लिख देंगे। ठीक है, तो हमें आई एस चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, और शंटेड बाय वायर ऑफ रेजिस्टेंस टू ओम, शंट दिया हुआ है टू ओम, तो पहले ये रेशियो आ जाएगी आपका। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आई माइनस आई जी इक्वल टू आई एस, तो ये इससे डिवाइड डिवाइड करके निकाल लो। चलिए बाकी कल करते हैं।